बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम अवामी राय लेने वाले हैं जी, नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब के हवाले से कि लोगों को क्या उम्मीदें हैं, लोग क्या चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ मरियम नवाज़ की अगर हम बात करते हैं तो शरीफ ख़ानदान से चौथी वज़ीर आला हैं। पहले उनके वालिद नवाज शरीफ वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज रहे, फिर चचा शहबाज शरीफ ओहदे पर फाइज रहे, उनके कज़न हमज़ा शहबाज भी इस ओहदे पर फाइज रहे, और अब एक ही ख़ानदान की चौथे वज़ीर आला बनने का एजाज़ भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है। पूरे पाकिस्तान पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला आज सुबह 8 बजे ही जाती उम्रा से निकली है और दफ्तर पहुँच गई है ताकि तमाम जो कमिश्नर्स हैं, डीपीओज हैं, आरपीओज हैं, उनसे बात की जा सके, वीडियो लिंक के ज़रिए उनसे ख़ताब किया जा सके और तमाम मामलात आने वाले वक्त में किस तरह से तय करने हैं उन तमाम के बारे में बात हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जैसे ही वज़ीर आला पंजाब का अहदा संभाला तो उनकी जानिब से एक तकरीर की गई जिसमें ये बताया गया है कि वो जदीद आलात, टेक्नोलॉजी, असलाहत, इन तमाम मामलात पर काम करेंगे। ख्वातीन, बच्चों और अकलियतों की उन्होंने ख़ास तौर पर बात की है कि उनके लिए स्पेशल जो है वो इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। इसके साथ साथ अकलियतों पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि ये हमारी डेडलाइन होगी। रिश्वतखोरी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगा। मेरिट, उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी का हिस्सा होगा। लोग क्या समझ रहे हैं इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, जो मौशी सूरत हाल है, जो मामलात हैं इस वक्त पंजाब को संभालना, क्योंकि पंजाब पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब में जो भी हुकूमत करता है उसका असर पूरे पाकिस्तान पर होता है, वफाक पर भी होता है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि वो मरियम नवाज़ को एज़ आ वज़ीर आला कैसा देख रहे हैं, क्या मशवरा, क्या उम्मीदें, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? यासिर मीर। यासिर मीर, क्या करते हैं? हम ये लंडे में काम करते हैं, पर्दे का। पर्दे का काम कैसा है आजकल? काम शुक्र है अल्लाह का ठीक है, मुनासिब है, इतना खास भी नहीं है। कह रहे थे ना इलेक्शन के बाद अच्छा काम हो जाएगा, मुनासिब हुआ कुछ? नहीं जी, पहले जैसे ही है, इतना मुनासिब नहीं हुआ अभी जी। अच्छा, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब कैसा देख रहे हैं? हम तो कुछ नहीं देख रहे जी। क्यों? क्यों हमें नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुद पहले तकरीबन हम 20-35 साल से नून में ही थे, तकरीबन ये दो तीन चार साल हो गए हम पीटीआई में आए हैं, ठीक है। तो हम देखते सुनते रहे, आगे भी हालात इतने ख़राब थे, आज तो मज़ीद हैं, इनके सब्ज़ बाग हैं, लोली पॉप ही हैं, इससे पहले भी कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ, सारे लोग कहते हैं जी उन्होंने मोटरवे बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, ये तो ठीक है, सही है, अच्छा है, बनाया है उन्होंने, लेकिन जो आजकल कारोबार के हालात हैं, जो महंगाई है, यकीन करें हमारा, हम कारोबार करें, अपना घर पूरा करें या और सिस्टम करें, बहुत ही प्रॉब्लम में है। कल जो उन्होंने तकरीर की है उन्होंने बताया है कि रिश्वत नहीं होगी, करप्शन नहीं होगी, आम लोगों की ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी, वादा तो वो कर रही हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए बहन, वो वादे तो इससे पहले भी जो आते रहे करते रहे, मिसाल मैं आपको बताता हूँ, जैसे दूध की राखी के लिए बिल्ली को छोड़ दें, ये उसी तरह हमारे ऊपर बैठ गए, ये मतलब खुद एज ए मतलब इनके वालद साहब इश्तिहारी रह चुके हैं, ठीक है, उसके बाद उनको वज़ीर आज़म बना दिया, हमारे मुल्क का कोई कानून नहीं है, वादे सीट पर आप भी जाएंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, लेकिन वादे सारे करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता, गरीब का कोई नहीं सोचता। आप ओवरऑल ये अभी दिल्ली दरवाजे में लाहौर में खड़े हैं, किसी भी शख्स से पूछ लें वो मरियम नवाज से मुतमैन नहीं है। नहीं नहीं, लोग खुश भी हैं। हैं हैं, देखें 10 बंदे मुखालिफ होते हैं, 10 हामी होते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन फिर ऐसा तो माना गया कि मैं ऐसे यासिर मीर केपीके से ताल्लुक रखता हूँ, ठीक है, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, अभी भी हूँ, कल भी रहूँगा, मेरा वो फूफी का बेटा नहीं लगता, राइट, मेरे लिए वही अच्छा जो आपके लिए अच्छा, उनके लिए अच्छा, उनके लिए अच्छा, ठीक है। वादे जो हैं वादे तो साहब करते हैं, जरदारी साहब भी करेंगे, लेकिन पूरा तो कोई नहीं करता जी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता है दुनिया कायम है, लेकिन हम इनकी उम्मीदों पे कायम नहीं रह सकते, हमें इन पे यकीन ही नहीं है। अच्छा। राइट। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कैसा देख रहे हैं? मैं, मेरा नाम खुद शमसुर रहमान वज़ीर है, शिमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ,
तकरीबन मेरा इधर 15 साल पूरा हो गया लाहौर में ड्राई फ्रूट का काम करता हूँ, लेकिन ये 15 साल में इधर मैंने ऐसी कोई तब्दीली नहीं देखा लाहौर में कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत में ऐसी कोई तब्दीली आए। लेकिन मुँह पे हर बंदा बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसी नज़र पर कोई तब्दीली नहीं देखा कि हमारे नज़र पर आया है कि तब्दीली आए है या कोई महंगाई ख़त्म हुआ है या लोगों को सहूलत बराबर हुआ है, ऐसे कोई निज़ाम हमने देखा नहीं है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र। ये काम कैसा है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आवाज लगा हुआ है। अच्छा, कितने का एक बैग सेल करते हैं? ये 120 का। 120 का, लोग बहस करते हैं या खरीद लेते हैं इतने पैसे हैं? कोई बहस करता है, कोई खरीद लेते हैं। अच्छा, तो फिर डिस्काउंट होता है? हाँ। कितना? 100 रुपया। 20 रुपये डिस्काउंट, 100 में फाइनल। कितनी कमाई हो जाती है एक दिन? ये यानी कि 2200। 2200 हो जाते हैं माशाल्लाह। अच्छा, फिर तो कमा लेते। 2200 में एक दिन का खर्चा, घर मुनासिब चल रहा है? चल रहा है, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं, क्या उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह अच्छा काम करेगी। हमारी दुआ है उसके साथ। दुआ है, क्या क्या अच्छा होने वाला है देखो, अभी क्या करेगी, कल तो बनी है, अभी देखो क्या करेगी क्या नहीं करेगी इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, एक मशवरा दे दें कि सबसे पहले कौन सा काम उनको करना चाहिए, सबसे बड़ा मसला इस वक्त लोगों का क्या है? महंगाई का, महंगाई का, महंगाई और क्या, महंगाई। इस मुल्क में कुछ सही नहीं हो सकता। 7 रुपये 5 रुपये रात बत्ती महंगी कर दी उन्होंने, तो क्या करोगे? उसे महंगाई बढ़ेगी क्यों, कम होगी? अब हम खुशहाल नहीं हो सकती, जो मर्जी दौर आ जाए, कर्जा इतना कर्जा नहीं पे कर सकते, बहुत ज़्यादा कर्जा पाकिस्तान पे है, महंगाई नहीं कर सकते, बस अल्लाह ही बात है इस मुल्क का, और कोई नहीं बात। महंगाई ने आवाम को परेशान करके रख दिया है जी। आइए सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब कैसा देख रहे हैं? कुछ भी नहीं है, वही पुराना हाल हो। ऐसा क्यों लग रहा है? बस लग रहा है ऐसे, पहले क्या किया, जॉब करेगा, पहले किया ना हुकूमत इन लोगों, पहली खातून वज़ीर आला, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, सपोर्ट करें। कुछ नहीं करने सपोर्ट, हालात ऐसे हैं कि सपोर्ट करने का है ही नहीं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रहे हैं, जो भी आते हो अपने जेब के ले आते हो, किसी का पाकिस्तान के बारे में कोई सोच ही नहीं। अयूब खान के बाद किसी ने डैम बनवाया, उसके बाद किसी ने सस्ता बिजली बनवाया, ये बैठ जाते अपने रिश्तेदारों को रेंटर पावर लगा रहे थे, 75 वो खाते 25 ये खाते, हाँ इसमें कौन सी बात है, इसमें तो ये तो और दिन भर, आज 3000 रुपये का थोड़ा है, कल देख ले 4000 का हो जाएगा। आम आदमी की मुश्किलात बहुत बढ़ जाती है, दिन ब दिन बढ़ रही है, गरीब बंदे का तो गुजारा मुश्किल हो गया, लेकिन की करे, एक बंदे की दिहाड़ी 800 है, आटे का थोड़ा 3000 का है, 3-4 दिन वो आटे के एक थोड़ा कमाएगा, जब उसके 4-5 बच्चे, उसका तालीम, वो उसका अस्पताल, मेडिकल स्टोर, खाना पीना, कब तक पहुँचेगा, किस साल तक जाएगा वो, उसका तो रोज़ बरोज़ ये मुश्किल बढ़ रहे हैं। अल्लाह खैर करो, अल्लाह इस मुल्क पर रहम कर ले। ठीक है जी, कैसे हैं सर? ठीक है, काम कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है जी, बेफिक्र हो जाओ। मरियम साहिबा वज़ीर आला कैसा देख रहे हैं? माशाल्लाह मुबारक होनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छा काम करेगी तो अच्छा रहेगी इंशाल्लाह, बेहतर रहेगी, अच्छे काम करने चाहिए। उम्मीदें क्या हैं आपको? उम्मीद है अच्छा काम करेगी वो, कहते हैं महंगाई ख़त्म करे, हमारा बंदा भी उठे आए, सबसे पहले महंगाई खत्म होनी चाहिए, बेशक महंगाई खत्म होनी चाहिए, घी सस्ता हो जाए, आटा सस्ता हो जाए, चावल सस्ते हो जाए, सुरमा हमारा सुरमा सस्ता हो जाए जरा आप डालते हैं, कौन मेहंदी भी सस्ती हो जाए जो भाई साहब बेचते हैं। हाँ, हम तो कहते हैं कौन मेहंदी 10 रुपये की बिकती थी, अब 10 रुपये की हो जाए, आप भी जाएंगे तो खुश होंगे। लेकिन सर अभी रात को ही 7 रुपये बिजली का यूनिट फिर महंगा हो, तो बिजली महंगी होगी तो सारा कोई महंगा हो जाएगा, महंगाई महंगाई महंगाई, आवाम की परेशानी। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या नाम है? अली एहतशाम। अली एहतशाम, क्या करते हैं आप? मेरा जरी का काम है। जरी का काम है, दुकान है या फिर खुद काम करवाते हैं? नहीं, दुकान, अपना काम करवाते हैं कसूर से। ठीक है, कसूर से काम, कैसा है कारोबार आजकल? काम क्या ला तो आपके सामने ही है। हाँ, शादी सीजन में भी जरी का काम नहीं है? ये देखे फुल सीजन के दिन थे, अब आपके सामने हालात हैं, सारा सारा दिन फार के बैठे रहते हैं कि किराए नहीं निकल पा रहे, लड़कों की तनहाएँ हैं, बिल हैं, आपके सामने देखे बिल कितना कितना आ रहा है, बहुत परेशान बैठे हुए हैं,
चोरों को ना हमारे सिरों के ऊपर इन्होंने ला के मुसलत कर दिया है। क्या कह सकते हैं अब, पंजाब की पहली खातून वजीर आला चोर है ये सब, वादे कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा करने वाले चोर हैं, इनके आसानी कर, इनके बड़ों ने भी वादे किए थे, क्या किए इन्होंने, क्या किया इन्होंने हमें बताए ना आपने, चोर हैं ये सारे। वो कहते हैं कि हमने मोटरवे बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई, हमने मेट्रो बनाई, वो तो क्रेडिट लेते हैं सारे, ये जेब से बनाई है इन्होंने, हमारे हम ही पैसे देते हैं, हमारे टैक्सों पे ये पल रहे हैं। हाँ, नई वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, क्या उम्मीदें? उम्मीद तो अच्छी है कि काम करेंगे और काम ये करके दिखाएंगे, क्योंकि चांस देना चाहिए हर किसी को, ये चांस देंगे तो काम बनेगा ना। ठीक है, चोरे नहीं भाई, नहीं एक मौका देना चाहिए इन्हें भाई, एक मौका देंगे तो काम बनेगा भाई। के बड़ों ने कितने साल लिए हैं पाकिस्तान के, ज़ाया किए हैं इन्होंने, क्या किया इन्होंने, देखिए पहली बार आई है, कुछ करके दिखाएगी तो काम बनेगा ना, तो इन्हें नेक्स्ट टाइम वोट फिर ये पूरा आल पंजाब पूरा पाकिस्तान इन्हें देगा, काम करेंगे तो ये काम फिर आगे वोट लेने के। सबसे पहले क्या काम होना चाहिए, क्या करें सबसे पहले? सबसे पहले ये जो गरीब आवाम के लिए जो खाने पीने का आटा राशन, ये गैस बिजली के बिल, ये सबसे पहले इन चीज़ों पे काम होना चाहिए, फिर नेक्स्ट टाइम जो सेहत कार्ड दिया हुआ था वो सबसे पहले इन्होंने बंद किया है, और क्या करना चाहते हैं ये? खबरों में सुने पंजाब असम्बली में उन्होंने कहा है कि वो हेल्थ की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि ऐलान हुआ पीछे आपकी मीडिया पे दिखाया गया, हेल्थ की तरफ आ रहे हैं, हेल्थ का फिर उन्होंने वो कोई प्रोजेक्ट भी निकाला, उसमें भी ये सारा फिर आवाम के लिए सहूलत, फिर ये चीज़ें ना इन्होंने, ये अभी आए हैं काम करेंगे तो फिर ही जाके काम होगा ना। ठीक है जी, नाज़रीन अवामी राय आपके सामने, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं, कुछ और लोग उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं वॉल सिटी में हूँ, वॉल सिटी में हम लोग इस महकमे में, वॉल सिटी में, वॉल सिटी महकमे में होते हैं। गवर्नमेंट जॉब जी, सैलरीज बढ़ जाती हैं महंगाई के तनासुब से, घर अच्छा चलता है या फिर गवर्नमेंट मुलाजिम भी परेशान? मैम अगर आप अल्लाह के ऊपर अपना तवक्को रखेंगी फिर हर चीज़ पूरी हो जाती है, और जब आपका अल्लाह के ऊपर तवक्कल ही नहीं है तो फिर कैसे पूरा हो सकता है। हाँ। तो हमारे लिए तो बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं वो हमारा ध्यान रखते हैं और नौकरी कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब कैसा दिख रहे हैं? मैम अभी आप उसमें ये देख लें कि आप किसी को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको गलत नहीं कह सकते, कोई आपके साथ चलता है आप अगर उनकी जैसे प्रोग्रेस है वो जैसे अपनी काम करेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मेच्योर ख़ानदान की हैं, एक सियासी बैकग्राउंड उनका अच्छा है, तो वो जैसे जैसे चलते रहेंगे और वो काम सही है। अब हम एक बंदा सीट पे बैठा नहीं है, उसने अपना काम शुरू किया नहीं है तो हम उसके ऊपर उम्मीदें क्या हैं? हम तो आवाम की उम्मीदें पूछ रहे हैं कि क्या लगता है क्या क्या बेहतरी आने वाली। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, क्यों नहीं आएगी, आगे भी उनके जो थी उनकी गवर्नमेंट पहले भी तो बेहतरी आती रही है, और इंशाल्लाह ताला वो मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे। बात असल में क्या है कि एक बाहर से बंदा उठा के लाते हैं, हमारी उस तक रसाई नहीं होती, ये हमारे एक घरों के बंदे हैं, जैसे घर हमारे अपने ज़ाती सिस्टम है इनके, तो हमें इनकी अप्रोच होती है, हम इन तक पहुँच सकते हैं, इनसे अपनी बात कर सकते हैं। तो अब एक बंदा बाहर से उठ के आ गया, उसको तो ना मिलने की इजाज़त होती है ना हम लोग उनसे मिल सकते हैं, तो इनका ये है कि घर का बंदा है, हम उनको पकड़ तो लेते हैं ना, बात तो कर लेते हैं। ठीक है जी, इनको लगता है कि अप्रोचेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कैसी चल रही है ज्वेलरी की आपकी दुकान? बस अल्लाह का शुक्र है जी, जो मेहनत करें फिर मिलता तो है, जो नसीबों में लिखा वो तो मिलना ही मिलना है। अच्छा, शादी सीजन है, काम अच्छा है आपका कारोबार? बस इधर मार्केट में काम है। क्यों? वो इसलिए कि तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो पूरा इसके ऊपर बड़ा असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें बिजली से तैयार होती हैं। हाँ, हाँ। रात 7 रुपये 5 पैसे कुछ बढ़ा दिया फिर उन्होंने बिजली का, ठीक है ना, तो ये चीज़ें और महंगी होंगी। ये चीज़ें चूड़ी हैं, हम 150 की बेच देते, 130 की ला गए, 120 की ला गए, 150 की बेच देते थे। हाँ, हाँ। अब 370 330 340 मार्केट का रेट है, तो इतनी महंगाई हो गई है। हाँ जी, कैचर पौड़ियाँ जो हैं वो पिछले साल तकरीबन को 30 रुपये का बीज था, अब यानी कि 25 का 22 का मिलता था हमें, वो अब 480 से शुरू होती है। हर चीज़ पे कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं कीमतें, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। देखो ना, अंडा 40 रुपये है इस मुल्क का, मैं वहाँ हम भी कसूरवार हैं, हम भी कसूरवार इसी में हैं,
इसलिए कसूरवार मैं कहता हूँ कि हमने अदरक 1600 रुपये किलो लेके खा लिया, नींबू 1000 रुपये किलो लेके खा लिए, टमाटर हमने 800 रुपये किलो लेके खा लिए। जब हम खुद ही नहीं कंट्रोल कर दे अपने आप में, ये नहीं इधर अभी को ठेले आ जाना वो वाद लगाएगा टमाटर 100 रुपये किलो, अमीर आदमी वो बोले 5 किलो मुझे दे दो 3 किलो, वो अगले दिन 150 कर देगा। कसूरवार हम ही हैं, हमें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए कंट्रोल करना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा सा कम खर्चा कर लूँ घर का तो निज़ाम सीधा हो सकता है। हमारे खर्चे बहुत हमने जरूर से ज़्यादा बढ़ा लिए हुए हैं। पहले हमारे मोहल्ले में जब मेरी नई नई शादी हुई 88 में तो पूरे मोहल्ले में एक फ्रिज था। अच्छा, अब हर मोहल्ले में हर घर में फ्रिज है, घर में 3 है। फिर उतना ही बिल आएगा। बात वही आई ना, जब हम जरूरियात बढ़ा ली, पहले गाड़ी नहीं थी, अब 3-3 मोटरसाइकिल, बच्चे नहीं फिरते हैं, क्या करें। लेकिन भाई जी, अब सहूलत जिंदगी अब आगे आगे जिद्दत आ रही है, जमाना बदल रहे, तो फिर तरक्की करना तो हर इंसान का हक है। जमाना जरूर बदला बेटा, मैं ये शाही माह में पढ़ता रहा हूँ, मेरा स्कूल था ये। जमाना बदल गया, अब इसको दुनिया देखने वाली, जमाना ही बदला तो देखने आ रही है। हमारा कौमी वर्षा बन गया। हाँ जी, पहले भी था, पहले भी था, मगर हमारा स्कूल थे सुबह लड़कों के लिए, दोपहर को लड़कियों के लिए। जैसे जैसे जमाना बदलता गया, बात वही आनी बेटा कि हमने जरूरियात बढ़ा ली हुई अपनी। अच्छा सर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, पहली खातून वज़ीर आला, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखो जी आदमी, हम तो खुदा पे तवक्कुल करते हैं, हमें इन पर किसी को, मैं आप पहले भी आए थी इलेक्शन के दौरान, मैंने आपको कहा था, मैंने वोट और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद किसी को वोट नहीं दिया। दिया ही नहीं? नहीं दिया। क्यों? इसलिए कहीं एतबार ही नहीं इन पर। पहले किसको वोट देते रहे जो अब नाराजगी हो गई? सन 90 तक वोट दिया। 90 के बाद दोबारा 90 तक किसको दिया वोट? लेबर पार्टी को। अच्छा, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी भी छोड़ दी? क्यों? सब कुछ जब से बेनजीर शहीद हो गई हैं छोड़ दिया हमने सब कुछ। उसके बाद कोई लीडर नहीं है। अच्छा। सब फ्रॉड बाद ही है। बटोर लीडर था, उसके बाद बेनजीर लीडर था। मैं किसी को लीडर मानता ही नहीं। अच्छा। कायदे हमने पाकिस्तान बना के दिया, हमने उसको भी जिस तरीके से वो उनको फोत हुए, आपको भी मैं आप तो पढ़ी लिखी, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, 8वीं जो मैं भजे हैं स्कूलों। गल ये कि जो कायदे इंसान जो अपने मुल्क के मौसम ना बेवफाई कर देना, वो कौम कभी फला नहीं पाती। अच्छा सर, आपने कहा कि लीडर ही नहीं है, आपको ये शिकवाए, लीडर में क्या खसूसियात होनी चाहिए जो आपको किसी में नज़र ही नहीं आ रही? लीडर में ये खसूसियात होनी चाहिए कि लीडर अवाम का सोचे, ये नहीं कि ये सड़क बना दो। सड़क बनाने से, पुल बनाने से हमें क्या फ़ायदा? जब तक बने सड़कें, पुल भी बनने चाहिए, सड़कें भी बनने चाहिए, मगर उसका ये असल रिजल्ट ये है कि पहले अवाम खुशहाल हो, अवाम को पेट भर के खाना मिले, अवाम ना किसी झगड़े में पड़े, अवाम ना गवर्नमेंट वाले देखे जो सा मर्जी आके बैठ जाए। जब अवाम खुशहाल होगी ना, फिर पुल भी बने, सड़कें भी बने, जो मर्जी बनता रहे। लेकिन पहले अवाम को दो वक्त की रोटी आसान हो जाए। हाँ बिल्कुल, हमारे इधर लोग बेचारे लंबी लंबी लाइनें, आटे की लाइनें नहीं ख़त्म हो रही। इसको भी छोड़ो, आप बाटी चौक में चले जाओ, कई चैनलों पे आपके इंटरव्यू चल चुके हैं, उधर मजदूर बैठे हैं। हाँ, रोजगार नहीं मिल रहा। वो आठ दिन में एक दिन उनका, वो भी वो हमारे जैसा आदमी चाहता है भाई मैं तो 800 रुपये दूंगा, अगला सोचता चलो, हालांकि मजदूर की दिहाड़ी गवर्नमेंट ने जो मुकर्र की हुई है उसके मुताबिक 1700-1800 बन जाता है, तो वो 800 में जाने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ बच्चों की खाता। ठीक है जी, ये हमारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बहुत दुआएं आपकी। क्या कारोबार काम भाई का कैसा है? काम बस 100-100 ही है, 50-50 कह लें आप। हम समझ रहे थे इलेक्शन हो जाएगा, काम अच्छा हो जाएगा, इलेक्शन हो गया, हुकूमत बन गई, अभी भी वही शिकवा है? नहीं, शिकवा तो वो रहेगा। अब ये है कि ये जो मर्ज जो है ये काफ़ी पुराना है, इसको सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये तो नहीं है इलेक्शनों के बाद एक जादू की छड़ी आ गई इनके पास, वो कर लेंगे, ये नहीं काम। लेकिन सवाल है कि वो चेहरे फिर वही आ रहे हैं, मसला तो ये है। अब तो बदल गए सर, वज़ीर आला पंजाब पहली खातून वज़ीर आला एजाज़ तो हैं इनसे अब, लेकिन ये उम्मीदें जो है वो बरकरार किस हद तक जाती हैं या कैसे लोगों के वो करती हैं उनको, तो वो तो अब डिपेंड करता है इनके ऊपर, ये मैं कह रहा हूँ। मकसद कहने का कि सेहत का बड़े इश्यूज़ हैं, ठीक है, और फिर महंगाई का कितना बड़ा इश्यूज है, फिर उसके अलावा मुआशी सूरत हाल कितनी ख़राब है पाकिस्तान की, सबसे बड़ा चैलेंज जो है। और फिर हम IMF के पास फिर जा रहे हैं कर्ज लेने के। हाँ, तो वो फिर महंगाई जो है वो लोगों के सरों के ऊपर आएगी, मुसीबत तो ये है। देखें बिजली के बिल, गैस के बिल देखें लोगों को कितने आ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है।
ये असल जो है ना मसला ये है जो आवाम को जो है ना इनकी मकबूलियत जो है ना वो कम हो रही है, आप समझ रहे हैं। देखें ना गैस का बिल जो है वो जिसका 2000 आता था अब उसका वो 10-10, 20-20 हज़ार आ रहा है, वो क्या करेगा कोई, ये मसला है, असल मसला ये है। रात को 7 रुपये बिजली का फी यूनिट महंगा और हो गया है। नहीं ये तो ऐसे हो रहा है जैसे वो देखें ना पहले एक साल के बाद बजट तो था वो चलता था, अब जो है एक दिन के बाद आ रहा है, अब क्या करें। हमारी जो है वो एक चीज़ जो है 100 रुपये की थी अब वो 500 रुपये की हो गई है। महंगाई तो देखें कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, मुसीबत तो ये है महंगाई की वजह से जो है ना ये सारे जो है ना इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं और ये जितने लीडर जो है ना वो गैर मकबूल हो रहे हैं महंगाई की वजह से। अच्छा सर हल क्या है, आप कोई मशवरा देना चाहेंगे कि क्या करें हल निकल आए मसाइल का। देखिए हल जो है ना वो इन्हीं के पास है, पॉलिटिशियन के पास ही हल है और दूसरा कोई इदारे के पास ये हल नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ नेक नीयत से अगर ये चल पड़े, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5 साल ही, ज़्यादा ना करें, 5 साल ये सारी जमातें बैठ के नेक नीयत से काम कर लें तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं गारंटी से कहता हूँ कुछ ना कुछ जो है ना वो हल निकल आएगा। यानी आपका मकसद है कि टेन्योर पूरा होने दें, जो भी हुकूमत आ गई है तसल्ली से 5 साल पूरे हो। ये देखे ना ये टांगे खींचना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो नवाज शरीफ की हो, वो टांगे खींचना शुरू हो जाते हैं, उससे जो है ना फिर वो सारा मोमेंटम जो है ना वो चेंज हो जाता है, बात समझ रही है। तो मैं ये भी कह रहा हूँ, दूसरी बात ये है कि नीयतें जो है ना वो भी सही कर लें थोड़ी सी, मसला तो ये है। भाई साहब ने मशवरा दिया है कि तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होना चाहिए, ओपोजिशन मामलात को ज़रूर उठाए, एहतजाज ज़रूर करे, लेकिन ओपोजिशन हुकूमत के साथ मिल बैठे कि पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल करने हैं, क्योंकि जो ओपोजिशन बेंचेस पे लोग बैठे हुए हैं वो भी आवाम के नुमाइंदगान हैं और वो भी लोगों के वोट लेकर असेंबली तक पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मेरी शॉप है, वहाँ पे दुकान है आपकी, कैसी चल रही है? ठीक है शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ठीक है शुक्र अल्लाह का। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब, पहली खातून वज़ीर आला, क्या उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद नहीं है, ये सारा ख़ानदान ही उस्मान प्लस उस्मान बुलदार है, ये सारा ख़ानदान ही। शहबाज शरीफ आया 16 महीने में, क्या किया उसने? इसहाक डर आया, 2 रुपये डॉलर चलता हुआ इसहाक डॉलर आ रहा है, डॉलर डर गया, 335 में ले गया, मुल्ला का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, सारे दारे हर दारा मारा नाकाम है। ये दारा एक वाहद है, शरीफ खानदान, इसहाक डार खानदान, जरदारी खानदान, ये तरक्की करते हैं बस। गरीबों का कोई हाल नहीं, 40-40, 50-50 हज़ार गैस के बिल आ रहे हैं, कभी सुना ही नहीं हमने, बिजली के इतने इतने बिल कभी हमने सुने ही नहीं है जो आ रहे हैं। आता वाता इन्हें कुछ भी नहीं, उसको कॉलेज में कोई दाखिला नहीं देता था मरीम नवाज को, आपके सामने रिकॉर्ड पे बात है, ये उसको दाखला नहीं देता था, वो वज़ीर आला बना पंजाब बना दी उन्होंने। सर वो तो वादा कर रही हैं कि सब अच्छा होगा, मामला ने वादा किया था मैं आ गया हूँ मुल्क डिफॉल्ट होने से बचा रहा हूँ, कौन सा मुल्क डिफॉल्ट? पीडीएम का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, तो ये पीडीएम 2 है वही है, और ये आसमान बुजार प्लस है, ये सारे नवाज शरीफ इसहाक डार, नवाज शहबाज शरीफ, जरदारी, आसमान बुजार प्लस है ये। हो सकता है कि अब सियासतदान पिछले जो 2-3 सालों में जो खींचातानी सियासी अदम इस्तेहकाम मामला, हो सकता है कि अब संभल जाएं, अब समझ जाएं कि अब हमें काम करना होगा वरना फिर आवाम अगली बार मैंडेट नहीं देगी। मैडम उनके पल्ले है ही कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते, इन्हें कुछ नहीं आता, ये प्लस उस्मान बुजदार हैं, आपको बताया ये उस्मान बुजदार प्लस हैं ये सारे खानदान, हमारी जान छुड़ाएं इनसे, खुदा का नाम ले इनसे जान छुड़ाएं हमारी। मसाइल का हल क्या है? मसाइल का हल क्या कह सकता हूँ मैं, अब ये पास है उन्होंने वो करना नहीं है, वो क्या करें, सबसे पहले इंसाफ, जिस मुल्क में इंसाफ होगा अल्लाह की खुद ब खुद रहमत हो जाएगी, खुद ब खुद मुल्क ठीक हो जाते हैं इन मेरिट। अब मोहसिन नकवी बड़ा अच्छा काम किया उसने, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना गया, क्या जरूरत है उसकी, कोई मेरिट है उसका क्रिकेट बोर्ड में? बस ये मेरिट वाले काम नहीं करते, मेरिट हो इंसाफ हो अल्लाह की खुद ही रहमत हो जाएगी इस मुल्क। अब मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, कामरान शायद कह रहा था कि इमरान खान ने फौज के खिलाफ कर दिया जवानों को, इमरान खान कभी किसी को कोई किसी को किसी के खिलाफ नहीं कर सकता, ईमानदार आदमी लेके आते हैं कुछ हम मुल्क के लिए कुछ करता, खुद हम फौज के साथ भी होती, हम अभी भी फौज के साथ ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फौज है तो हम हैं, हमारी फौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी करते हो फिर मेरिट के बगैर लोगों को लाते रहो। एक वो सीट भी आ रही हुई है मरीम नवाज, लाहौर में सारी सीटें ही आ रही हुई हैं, हामिद मीर के बकौल 15 से 17 सीटें नहीं है इनकी टोटल पाकिस्तान में, तो आपके सामने ये सारा रिजल्ट भी देख लो। अवामी राय आपके सामने है, क्या नाम आपका? अदनान। अदनान भाई क्या करते हैं? मेरी शॉप है, बेडशीट। हाँ, कैसे चल रहा है कारोबार? कारोबार 2-2.5 साल हो गए हैं, बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ है, यानी कि कोई सीज़न वाला हिसाब ही नहीं है, ना कोई सीज़न, एक होता है एक वक्त होता है, होता था
कि सर्दियाँ आती थी, इस काम का बहुत अरूज होता था, गर्मियों में स्लो होता था, लेकिन हम उसमें गुंजाइश निकाल के तो वो सर्दियों में अच्छी मार्जिन निकल आता था। लेकिन शादी सीजन जब होता है ना, ये चीज़ें मेरा ख्याल तब बिकती हैं ज़्यादा। जी जी, तो अब तो सीजन वाला काम ही खत्म हो गया ना, अब तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है तो लोग ये चीज़ें कैसे अफोर्ड करेंगे। लोग बिल वगैरह दे के थक गए हैं, राशन पूरा नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें तो फिर बाद की बात आ जाती है ना। बेसिक चीज़ें हम लोगों की पूरी नहीं हो रही, राशन पूरा नहीं हो रहा, बिल पूरे नहीं हो रहे। मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब, क्या उम्मीदें? शहबाज शरीफ साहब भी आए हैं, सब ने बारियाँ ली हैं, तो अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया। बाकी उम्मीद तो अच्छे की है, जो भी इलेक्शन वगैरह हुए हैं वो आप सब ने देखे हैं, जिस तरीके से हुए हैं तो आ गए हैं, बस अल्लाह खैर ही करे। मुश्किल वक्त आने वाला है या आसानी होने वाली? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मुश्किल और कितना मुश्किल वक्त आएगा, जितना मुश्किल वक्त अब आ चुका है। मेरे घर का जो गैस का बिल है 53,000 आया है। ओह माय गॉड, आपने क्या कर लिया? कोई होटल खोल लिया है, कोई तनूर लगा लिया है घर पे, क्या किया बोला? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उनके पास गए, कहते जी आपकी मतलब की गैस इतनी कंज्यूम हुई है, लेकिन हुई है, हमने तो कुछ चंद दिन मतलब के गैस गीजर चलाया है, ठीक है। तो अब तो हाल, कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके घर? मेरे फैमिली मेंबर 4 मेंबर हैं। हाँ। ठीक है, तो 4 लोगों का घर और 53,000 रुपए बिल जी, उसमें मैं 2 बच्चे हैं वालिद वालदा हैं। तो आपको पता है कि सर्दी बहुत ज्यादा थी पिछले दिनों में, तो गीजर के बगैर गुजारा नहीं है। तो भाई जी, गीजर चलाना कौन सी बड़ी बात होगी, 1,000-2,000 बढ़ जाता। तो हमारे मुल्क में तो यही तो हाल हो गया है की जो गीजर है, जैसे मतलब की ठंड, जो बिजली के बिलों के भी हालात है, यानी कि गर्मियों में भी वो जो अमीर लोग हैं वो ही मतलब कि बिजली चलाएंगे, वही एसी चलाएंगे, और यही हाल वो भी हो गया कि सर्दियों में भी वो जो अमीर लोग हैं वही गैस यूज करेंगे, गरीब बंदा तो यूज नहीं। भाई जी, 7 रुपए रात को बिजली का, करीबन 7 रुपए फी यूनिट फिर महंगी होगी। अब लग रहा है कि गरीब गर्मी में पंखा भी बंद करके बैठेगा, बस हाथों से पंखे। बिल्कुल बिल्कुल यही हालात है, अल्लाह खैर ही करे। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि वो ये सारी चीजें ना लग्जरी अमीरों के लिए रह गई हैं। एसी गर्मियों में वो बस अमीर लोग चलाएंगे, गरीब नहीं चलाएगा। और वही हाल गर्म पानी का है कि अब वो अमीर लोग ही गीजर चला सकते हैं, गरीब बंदा तो नहीं चला सकता। कम से कम मैं तो दोबारा उस दिन का और आज का दिन है, 1 माह तकरीबन होने वाला है, मैंने 1 दफ़ा गीजर चला के सारे घर वाले नहाए हैं, उसके अलावा हमने गीजर बिल्कुल बंद कर दिया है। क्या करें, 53,000 बिल नहीं दिया जाता। कारोबार के ये हालात नहीं है कि आप 53,000 आजकल कमा लें, महीने में बहुत है, लेकिन 53,000 जब गैस का टीका लग जाएगा तो वो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। बिल्कुल ऐसा ही है, गैस के बिलों ने आवाम को वाकई बहुत परेशान किया है, और कितने ही प्रोग्राम हम गैस के बिलों के हवाले से भी करते रहे हैं कि लोग चीख उठे हैं, लोगों की कमर तोड़ के रख दी है गैस के बिलों ने। और अब जब गर्मी का मौसम आएगा, बिजली का बिल क्या करने वाला है, ये एक अलग ही स्टोरी है, और ये आने वाला वक्त बताएगा कि आवाम किस तरह से परेशान होती है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन, कुछ और अपने लोगों से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं कि नई वज़ीर-ए-आला पंजाब से उनको क्या उम्मीदें हैं और आने वाला वक्त वो कैसा देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जी मेरा कारोबार है चावलों का। चावलों का कारोबार कैसा चल रहा है? चावल बहुत महंगे कर दिए आपने। माशाल्लाह ठीक है, जैसे आपको पता है मार्केट में आ रहे हैं वैसे ही हम बेचते हैं, सेल करते हैं। जी जी। जो सबसे अच्छे वाले चावल है उसकी क्या कीमत हो गई? 16 से 17 हज़ार है। अच्छा जी, जी। एक किलो कितने पे पड़ेगा तकरीबन? वो 300-350 में पड़ता है। और सबसे सस्ते वाला? सबसे सस्ते वाला वो 2-8 टोटा होता है, वो 200 रुपये भी पड़ता है, 250 रुपये भी पड़ता है। वो जो छोटे छोटे टूटे हुए टोटा चावल, वो 200-250 रुपये किलो? जी, क्योंकि हमारा अपना कारोबार है, हम खुद करते हैं, क्योंकि हमें पता है ना। तो भाई जी, फसल नहीं हो रही, क्या मसला क्या है? महंगाई क्यों इतने महंगे हो गए चावल? आपको पता है DAP खाद है वो भी महंगी हो गई है, सोना यूरिया है वो भी महंगी हो गई है, उसी के लिहाज से फिर किसान बेचारा क्या करेगा, महंगा नहीं करेगा तो क्या करेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो ठीक है, लेकिन पता नहीं, अब पहली मरतबा वज़ीर-ए-आला बन रही है, क्या पता कोई अच्छा रिस्पॉन्स लेके आए। वैसे हैं तो अच्छे ही, लाहौर के लिए सोचते हैं, देखो अब क्या। आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है? यही है बेरोजगारी, यही है। मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला बनी है, मोहतरमा को चाहिए गरीब लोगों की सैलरियाँ बढ़ाएं, ये जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं मुलाजम, मतलब के
इनके लिए अच्छी बेहतरी लेके आए। ठीक है जी, भाई साहब कह रहे हैं कि इनको चाहिए कि रोजगार के मौके लाए, सैलरीज बढ़ाएं ताकि इनकी जिंदगियों में कुछ आसानी हो जाए। फ्राइज वाले भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। ठीक है, आलू महंगे हो गए, घी सस्ता हो गया, क्या मामला है? कुछ भी नहीं जी, उस तरह ही हालात है सारा को, उस तरह महंगाई है, क्या सब महंगा, सब महंगा, रोजी नहीं पूरी हो रही, क्या करें हमारे बंदे, बच्चों को रोजी नहीं लग रही, रोटी नहीं खिला रहे हैं, और क्या करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज बन गई हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या अच्छा होगा? अल्लाह उन्हें ईमान देवे, ऐसा था पर्चियां उन्होंने दी थी। हाँ जी, वोट दिया उन्हीं को जी, इश्तिहार भी लाया, वो बड़े जज्बे से जिताया भी, इश्तिहार भी लगाया हुआ, दिखाए जी इधर आके, इन्होंने बता रहे इश्तिहार जिताया उनको। हाँ इंशाल्लाह। चले अब बताएं कि वो क्या करें आवाम के लिए, आप क्या चाहते हैं उनसे? मैं तो ये चाहता हूँ अल्लाह उन्हें ईमान देवे, महंगाई टूट जाए, और मैं क्या करना। महंगाई सबसे बड़ा मसला, बहुत मसला है जी, माड़े बंदे वास्ते तो मसला ही है, अमीर तो अमीर है ना, गरीब का क्या है, अल्लाह ही है। कितना खर्चा, कितनी कमाई? कमाई क्या है जी, 1,000 रुपया भी नहीं मिलता, 1,000 रुपया भी नहीं बचत। अच्छा। हाँ जी, घर का सिलसिला नहीं चल रहा, क्या करें, 5 बच्चे हैं, क्या करें, कुछ भी नहीं, रोटी नहीं पूरी आती, रोटी पूरी होना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब, क्या उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद भी नहीं है। क्यों इतने नाराज क्यों हैं आप? उम्मीदें ही कोई नहीं है, आगे हमें पता है ना क्या कुछ होना है। बिजली का मेरा गैस का बिल आया था 73,880 रुपए, 3 घर है, किराएदार हम रहते हैं, किराए के मकान में, नहीं नहीं 73,000 रुपए गैस का, 73,880 रुपए, तो हम क्या उम्मीदें लगाएंगे किसी के साथ? अभी रात को तकरीबन 7 रुपए बिजली फी यूनिट और बढ़ गई है, अब क्या होगा आगे? कुछ भी नहीं, कुछ अमीर कोई होती है ना, अमीर के कोई गरीबों के लिए कुछ होगा, गरीबों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन सर वादे तो वही हो रहे हैं कि बहुत, उसने तो ये भी किए थे कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, वो तो उन्होंने नहीं देनी, क्या आपको लगता है कि देंगे? बहुत मुश्किल है सर, यहाँ बिजली महंगी होती जा रही है। मैं खुद में होता हूँ, अच्छा। हमें सब पता है हमें क्या देंगे क्या नहीं देंगे, मुश्किल हालात, मुश्किल हालात। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं सर आप? शुक्र है अल्लाह का बेटा। ठीक है, काम शाम कैसा है? अच्छा ठीक है, शुक्र है अल्लाह। अच्छा है, कितना अर्सा हो गया यहीं पे दुकान लगाते? उम्र ही बीत गई है हमारी, यहीं पे कोने पे। हाँ जी। तो क्या इसका कोई किराया है, कोई उठा देता है, या फिर सुकून है, कोई नहीं, आराम से बैठे रहते हैं? अच्छा, कोई तंग नहीं करता? हमारा बाप बैठा, हमारा भाई बैठा। अच्छा। उसके बाद फिर हम बैठ गए। हाँ जी, तो अल्लाह का कर्म है। हाँ। तो तीन बेटियां, तीनों बेटियों को 16-16 पर आए, तो एक काफत भी करा दिए, एक उसको छोटी को उमड़ा भी करा दिए, तो वो अल्लाह की ये करम नवाजी है मालिक की, तो ये अल्लाह पर इन्हों को लाया, इन्हों को ये हमारी बेटी जैसी है, तो अच्छा काम करेगी तो सब दुआएं देंगे, तो अच्छा नहीं करेंगी तो सब हम बड़ा बड़ा बोलेंगे, तो अल्लाह अल्लाह इनको हिम्मत दवे अच्छे काम करने की, अल्लाह तौफीक दवे इन्हों को, बहुत अच्छा हमारे लिए, लाहौर के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा सर, जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है, जिस तरह महंगाई है, बिजली महंगी, गैस महंगी, चैलेंजेस हैं, मुश्किल हालात या आसानी हो जाए? मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। हम इधर से रात को 1,000 रुपया बहुत मुश्किल कमाते हैं, बिजली का 1,000 रुपया नलके का उन्होंने कर दिया, पहले 500 था, अब 1,100 रुपया कर दिया, 600 एकदम बता दिया, और बिजली के बिल हैं और दूसरे वो सुई गैस के वो भी बता दिए, तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? जो वो जाना वो मजदूर है वो 500-1,000 रुपया लगे हैं, वो क्या करेगा? उसके बच्चे कुछ कहते हैं हमें ये ला दो, बीवी बोलती है ये ला दो, बेटी कहती है ये ला दो, तो वो खुदा ना करे वो उसको अल्लाह माफ़ी दे तो उसको अटैक हो जाता है, वो फौत हो जाता है। अल्लाह रहम करे, इतने मुश्किल हालात हो गए। हाँ जी, ये बहुत मुश्किल हालात हो गए, तो अल्लाह आपको। अच्छा मरियम नवाज को कोई मशवरा देना चाहेंगे जो नई वज़ीर-ए-आला बनी है, कि सबसे पहले आवाम का कौन सा मसला हल करें तो आवाम खुश हो जाए, उनको सपोर्ट करें? बेटा यही है ना,
ये सब्जी सुब्जी महंगी हो जाए, आटा महंगा हो जाए, सवला हो जाए, हर चीज़ सवली हो जाए, तो माड़े से बहुत अच्छे लोग हैं जी। तो अल्लाह उनको निकी दी जा दे सवला करने की। वो कहती है मैं करूँगी कुछ लाहौर के लिए, सवला करूँगी मैं, तो अल्लाह बेहतर करे जी उनके लिए। ठीक है जी। नाज़रीन कुछ और लोगों से बात करते हैं, एक दुकानदार भाई भी हैं, लेकिन उससे पहले हम उनके कस्टमर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? आई एम गुड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदारी हो रही है? बस मैंने कहा कोई कपड़ा वगैरह ले लें, रमज़ान आने वाला है तो कुछ चीज़ें। जी जी हाँ। मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला पंजाब, क्या उम्मीदें? देखिए उम्मीदें तो देखते हैं वो क्या करती हैं, अभी तक उनको मौका नहीं मिला था गवर्नमेंट में आने का, तो हो सकता है वो कुछ अच्छा कर जाएं। अभी तक तो हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ आवाम के बारे में तो सोचा ही नहीं, अपने ही बारे में ही अपने लोगों को ही कर लेते हैं, जो कुछ भी उन्हीं की को फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन ये कि जो आम आदमी है वो तो पिस रहा है। एक्सपीरियंस ख़ानदान है, उनके वालिद साहब वज़ीर आला रहे, वज़ीर आज़म रहे, उनके चचा वज़ीर आला रहे, उनके कज़न हमज़ा शहबाज़ वज़ीर आला रहे, एक्सपीरियंस ख़ानदान है सियासत में, लग रहा है बेहतरी आने वाली है, कुछ हो जाएगी बेहतरी? हाँ सड़कों की हद तक तो आएगी। और किसी बारे में मैं नहीं कह सकती। अब देखिए आज ही मैं खबरों में सुन रही थी कि 7 रुपये कुछ पैसे बिजली का यूनिट बढ़ गया, तो देखिए बिजली गैस इस्तेमाल ना करें, बिजली इस्तेमाल ना करें, मतलब जिसके लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है वो किस तरह जिए, क्या करे, मतलब क्या खाए, क्या पहने, क्या बच्चों को पाले, क्या पढ़ाए, ये तो पढ़ाने वाले हालात ही नहीं है, जिसको देखो बच्चे पढ़ नहीं रहे, इसलिए कि उनकी रोटी नहीं पूरी हो रही है, तो वो तालीम की तरफ कहाँ जाएंगे, तालीम कोई आसान है? तो ये इस तरह से नहीं चलेगा ना, ये बस अब देखिए ना लोग कितने बाहर जा रहे हैं, लोग तंग आ गए, जो हर एक को ये जिसको मौका मिल रहा है वो मुल्क छोड़ रहा है, तो ये कैसे चलेगा? लेकिन कल की तकरीर सुन के तो लगा है कि शायद आने वाला वक्त कोई बहुत ही अच्छा होने वाला है, शानदार होने वाला। तकरीरों की हद तक तो हमेशा अच्छा ही है। लेकिन ये कि क्या कह सकते हैं, मशवरा देंगी? आप भी एक खातून है और उनके पास बहुत बड़ा एजाज़ कि पाकिस्तान क्या, पंजाब क्या, पूरे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला है, मशवरा देंगी क्या करें? देखिए वो अब इन लोगों को बहुत बेहतर पता होता है, लेकिन ये कि ये इस तबके में आके देखते ही नहीं, कभी आके आम आदमी के साथ ज़िंदगी गुजार के देखें उसके क्या मसाइल हैं, महलों में बैठ के वो कैसे, वो सोच ही नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आम आदमी के क्या मसाइल हैं। मैं एक अल्लाह का शुक्र एक सफ़ेद पोश हूँ, लेकिन मैं हर दफ़ा परेशान रहती हूँ, हालांकि मेरे बच्चे पढ़ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी, और मेरे सोर्स ऑफ इनकम भी हैं सोर्सेज, लेकिन ये कि उसके बावजूद मुझे हर महीने ये होता है उफ़ अल्लाह अब बिजली का बिल देना है, अब गैस का बिल देना है, अब ये करना है, अब वो करना, जिस चीज़ को हाथ लगाओ वो उस पर मतलब इतने पैसे लग रहे होते हैं, अब चाहे हम खाएं ना खाएं, पहने ना पहने, लेकिन ये जो यूटिलिटीज़ है ना इसने तो ख़त्म कर दिया आम आदमी को, तो आप बताइए कि इस तरह कैसे जिएगा, जो मज़दूर तबका है, जो कि ज़्यादातर हमारा है, ज़्यादा मेजॉरिटी है लोगों की, ये कैसे रहेंगे बताइए? यानी जो अच्छा खासा कमा रहे हैं वो परेशान हैं, तो फिर नीचे वाला तबका तो विस्कर रह गया। देखिए ना फिर वो तो भीख ही मांगेंगे ना, आप देखिए, अब मैं तो समझती हूँ कि यही हमें जो ज़्यादातर आवाम को यही मिल रही है एक ट्रेनिंग के, बस मांगो लूट लो खा लो, जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं वही आवाम करने पे मजबूर है, हालांकि अगर किसी को शराफत से अपना इतना रोज़गार हो कि वो आराम से ज़िंदगी गुजार ले मुनासिब अंदाज में, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चोरी चकारी लूट मार धोखा दही इतना कुछ हो, जितना कि पाकिस्तानी आवाम तो मतलब बदनाम तरीन हो चुकी है दुनिया में, कि झूठ और बेईमानी और दगा सब कुछ इनमें, सिर्फ शायद हमारे हुक्मरानों की वजह से। कैसे भाई जी? शुक्र शुक्र अल्लाह। क्या सोचे जा रहे हैं? मैं क्या सोचना है बेटा, सोच में पड़ गए हैं। वज़ीर आला मरियम साहिबा बनी है, उन्होंने सोचना है, आप किस सोच में गुम हैं? अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो तो सोच ही नहीं सकते ना, वो अपनी पहले सर्जरी करवाए उसके बाद में सोचे ना। अच्छा। वो माशाल्लाह अब तो वज़ीर आला बन गई, अब तो डेली उसकी सर्जरी होगी। तो पता क्या बात है कि यही लोग हैं ना जो तकरीरें करते थे, जब कहते थे कि हम लोग 200 यूनिट तक फ्री बिजली कर देंगे, 300 तक फ्री कर देंगे, और वो गिफ्ट रात को दे दिया ना उन्होंने 7.5 रुपये, उन्होंने जो फ्री यूनिट महंगा कर दिया है। पता क्या बात है, ये हम गुलाम हैं, हम नहीं हैं, ये गुलाम है, इन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। जितनी देर तक हम जहूदो इंसार के झुंझल से नहीं निकलेंगे ना, हम खुशहाल नहीं हो सकते, क्योंकि ऊपर वाली जितनी करीम है ना, ये सारी जो है ना ये उनकी गुलाम है,
जो उदो इंसार की। अब देखें ना, गुस्ताखियों पे गुस्ताखियाँ क्यों होती हैं कि वो जारी बात है, इनको वो काम देते हैं तो काम उन्होंने लेने होते हैं। पाकिस्तान खसारे में होता है, इनकी प्रॉपर्टियां बढ़ती हैं। हमारे लोगों का इस वक्त आज के दिन में सबसे बड़ा मसला क्या है और आने वाले वक्त में आसानी देख रहे हैं या अभी टफ टाइम है लोगों के लिए? सबसे बड़ा मसला पता है क्या? ये मेरी बहन ने जो बात की है ना, मैं आपको सबूत दे देता हूँ। मैंने 8,500 रुपये का बिल, मेरा अकेला घर है 2 महीने का, छोटी सी फैमिली है, एक बेटी है एक बेटा है। तो मैंने वो ना अपना 8,500 रुपया मैंने वो बिल पे कराया कि मेरा वो चूल्हा जला ही नहीं, बिल्कुल बंद का मैंने 8,500 रुपया गैस का, ये बिजली का बिल है। अब ये आज की आखिरी तारीख है तो मैं तोबा नौज़ बिल्ला, मैं आपको गरीब नहीं हूँ, ये प्लाजे का मैं मालिक हूँ, किराएदार किराया नहीं दे रहे, उनके पास क्या ही नहीं, वो क्यों दे किराया? तो मैं किसी के साथ सख्ती भी नहीं कर सकता, ये शॉप मैंने अपने पास रखी हुई है तो मैं खुद भी परेशान हूँ। और आज मैं यही सोच रहा था कि मैं बिल कैसे जमा कराऊँ, किस तरह। यानी ये दुकानें आपकी हैं, आपको रेंट आना है, आप अपना कारोबार कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, फिर परेशानी है। परेशानी हो गई हुई है, परेशान नहीं होते थे मगर हो गए हुए हैं। मसीद तकरीबन ये 3 सालों से ना ये हाल हो गया है कि अब क्या बताऊँगा आपको, बस छोड़े, अल्लाह ताला बस हम पर अपना कर्म करे, हम खुद गलत हैं। अब वो बातें ख़त्म हो गई हैं कि हम अवाम जो चाहेगी वो होगा, अब सारा कुछ वाज़ह हो गया, अवाम भी जो चाहेगी वो नहीं हो सकता, क्योंकि वोट जो है ना, वोट की ताकत जो है ना, इसका हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मेरी 54 एज है, मैं सुनता आ रहा हूँ कि वोट की ताकत, अवाम की ताकत बहुत बड़ी है, मगर वो हमने इस इलेक्शन में हर चीज़ देख ली है कि वोट की ताकत भी अब कुछ नहीं है, सिर्फ ताकत वो इसराइल और अमेरिका की है, वो जो जाएगा पाकिस्तान में वो करेगा बस। अवामी राय नाज़रीन आपके सामने है, आगे चलते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई जी? हाँ जी ठीक शुक्र। ठीक है, काम कैसा है? काम अच्छा है शुक्र अल्लाह। ये ग्लव्स वैसी कर ली। मरियम नवाज वजीर अला पंजाब, क्या उम्मीदें? पहले भी चोर थी, अब भी चोर है। आपको तो बिल कितने आए हैं आपने देखे? हाँ, गैस के भी और बिजली भी रात की महंगी कर दी है, बिजली का रेट भी बढ़ा दिया। हाँ जी, बस यही है, अल्लाह ही है बस, काम तो बिल्कुल नहीं है और लोग सारी फाड़ेंगे, इनका दुकानें खाली होगी, लोग खाते जा रहे हैं। उनके पास खरीद, अगर अपनी ना किराए पे हो तो कब के भाग गए हों, जिनकी किराए की दुकानें उनसे पूछे जरा क्या हाल हो। अपनी दुकानें हैं फिर तंगी है, बिल्कुल परेशानी है, बिल जमा करवाए, बच्चों की फीसें दे, घर में खाना वगैरह क्या करें, हालात आपके सामने, सबके हालात ऐसे ही हैं। अगर कोई दुकानदार या कोई मुलाजिम 25-30,000 सैलरी ले रहा है तो उसमें बताया गुजारा होता है, बहुत मुश्किल है, 1,00,000 रुपये में नहीं होता अब तो। दूध सुबह का नाश्ता लें 300-400 रुपये का तो नाश्ता आ जाता है, फिर दूध वगैरह, दोपहर का खाना, रात का खाना, फिर फीसें, बिजली के बिल, गैस के बिल, गैस के बिल देख लिया आपने क्या किया उन्होंने? और अभी आगे पंखे चलेंगे तो बिजली के बिल इतने आएंगे, बिल्कुल लोग मरेंगे, जैन को मारेंगे, बिजली आती नहीं है, बिल भेजते जा रहे, गैस भी नहीं आ रही तो बिल भेजते जा रहे हैं, आपके सामने है सारा कुछ। क्या हो गया आपा? तो ना यह हम मसला है ना, बिल आया साढ़े, ठीक है, तो बिल 50,000 रुपया कि कोई कितने आ जाता, कितने कितने मैं ना पट पे कदम मुंडे गिरफ्तार कर देंगे, कदम किसी को कर लेते, मेरे को नियम यार सिर तो नहीं है, ठीक है, तो वो ना बिल कदम कि बिल जमा कराने, हूँ कदम कुछ कहते कहने ना, तो बिल जमा हो रहा ना, किस्त कर लेंगे 10,000 रुपया महीना मैं कितों तारा। किस चीज़ का बिल? बिल है बिजली का। कितने महीनों का नहीं दिया आपने? अपने महीने मेरे ख्याल 3-4 महीने हो गए ने, तो बिल नहीं आया ना, बिल नहीं आ रहा, फिर मैं गई हूँ वापस वाले को, उन्होंने कहा बिल भेजो, ठीक है, मेरे उन्होंने कहा जी थोड़े तो केस हो गया, मैं कि मेरे घर बिल नहीं आया, मेरे को क्यों केस होया, मेरे मुंडे ने पकड़े, फिर मुंडे ने गिरफ्तार भी किया, फिर जमानत भी करा, फिर उन्होंने कहा थोड़े तो पर्चा हो गया, बेटा ज्यादती है ना, तो हूँ मैं कहने महकमे में गई है, उनको कहा है कि इसका हल बताएं, क्योंकि इस मसले का हल तो महकमे ने निकालना है ना, वाडा ने लेस्को के दफ्तर में निकालना है। गया ना उठे गया, उन्होंने नहीं गल सुनी, कहते नहीं आज अफसर आएगा, सयान करेगा, किस्त करेगा, वो कहता होर थोड़ा बिल घट नहीं असी करा। अच्छा। मैं चोरी का इल्जाम ला के मेरे घर मीटर लगे, मैं क्यों चोरी करनी?
तो बेटा वो तो बहुत उन्होंने कहा भी ठीक है आएंगे तो फिर देखी जाएगी। फिर उन्होंने मैंने दिते दे जाके उन्होंने कहा भी जाओ तो क्रीम पार्क जाओ ठीक है। क्रीम पार्क गई हाँ उतने उन्होंने मैंने कहा भी सहन किए अफसर के उन्होंने कहा भी जाके बिल धार ली तू। मैं बेटा दिता की करे एक मुंडा बहर खड़ा से उन्होंने कहा भी 10,000 रुपया कहना माँ जी मैं तार लैन मैं अंदर चलिया ना लैन लगी तो मैं तार लवोंगी बेटा ना उन्हें बिल वापस दिता तो ना ही 10,000 रुपया वापस आए। तो मैं वो कहने मुंडा को पछाण बथेरा पछाने कितने नहीं मिले मुंडा मैं तो उन्हें कमीज सलवार पाई उसी बेटा हूँ मैं कर सकता हूँ। कल आया पुलिस वाला कहना जी तेरे मुंडे ने गिरफ्तार करने यह देखो मैं ना यह खोल के देखो मैं परचा जरा ना कहता जी जज ने तुम हुक्म दिता है वो किया हाँ इन्होंने पकड़ना जरा। तो मैं क्या मैं हूँ एक बिल उधर तार के आ गई हूँ मेरे को बार बार नहीं मुसीबत होती पता नहीं इतनी सी हूँ है ना बिजली के महंगे बिल मसाइल और जो लोगों के मामलात है बिजली के बिलों को लेकर ज़्यादा बिल आ जाए अदा ना हो घरों पे बिल पर्चा की जाए तो बेन जया जी ने एवं ही बतम किया ला पर्चा क्यों हुआ कि बिल नहीं दिया उन्होंने कहा बिल नहीं दिया बिल देगा तो उन्हें कहा ना नवी तार लवाओ ठीक है ना और तार गई टोटे तो मैं वापस वाले दरखास्त दी थी मैं कह जी ए ना तो सही कर दे थले टुट के डिग पई ये साल ही हो गया मेरे को नहीं मैं काम करा गदामा जी जे मैं एक कुछ घर का खर्चा करा की करा मैं बिजली चोरी का पर्चा है जी और बिल अदा नहीं हो रहे 4 महीनों से घरों में बिल नहीं आ रहे और फिर अगर गलती हो भी गई है तो फिर उसका हल क्या है उसकी कोई ना कोई मसला हल होना चाहिए लेकिन ना कुछ तो होना चाहिए ना जी कुछ भी नहीं कर देना पापा ये इदारे वाले ही करेंगे लेस्को वाले ही करेंगे ये उन्होंने ही मसला हल करना है उनके इदारे का ही मसला है बेटा नहीं ना वो कोई गल मनता ही नहीं कहते मैंने वो क्रीम पार्क भेज देंगे उधर उधर भेज देंगे थाने ने बच्चे चढ़ा के लाए हैं देखो उन्होंने पर्चे का उन्हें नंबर भी लिख के देता ठीक है। ये है आवामी मसाइल और ये है हमारे इदारों के हालात के वहाँ पर लोगों को सही से इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती और ये कोई आज का मामला नहीं है कितने प्रोग्राम हम कर चुके हैं मुसलसल यही शिकायत है यही मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं चचा? ठीक है। कब से है ये दुकान आपकी? हो गया 10-12 साल। 10-12 साल हो गए माशाल्लाह अच्छा है आजकल काम? ठीक है आजकल तो मंदा ही है। क्या वजह मंदे की? पता नहीं बात हो जाएगा ठीक नहीं तो हालात ठीक होंगे तो हो जाएगा ऐसे नहीं हालात क्या खराब है जो कह रहे हैं कि हालात महंगाई बहुत ज्यादा है बिल लाने पे जी जा रहे हैं बेतुके तू ही कह दे बिल बेतुके बिल 380 का 8,000 6,000 20,000 किसान 22,000 कोई तुके का गल करने ली हिसाब का कोई नहीं बिल लाना पे दिया कि 50,000 गल करने ली गैस दे बिल की उन्होंने भट्टियां लाई हैं आंडी पकनी होंगी तो रोटियां पकनी होंगी और की है बिल लैना ज्यादा 8,000 10,000 15,000 डेढ़ मरला मकान है तो बिल लैना किस तरह देने पता नहीं देो जी जो कट रहे सर। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? इन्हें दौर तरक्की तो होती है पता नहीं हूँ की करना इन्होंने बस इन्होंने दौर चाहे तरक्की हुई जिन्नी भी हुई है पाकिस्तान और किसी दौर च नहीं होंगी। अब लग रहा है महंगाई कम हो जाएगी बिल नीचे आ जाएंगे? बिल कम करेंगे तो बिल मारते हैं और कोई महंगाई नहीं है। हाँ। बिल बहुत ज़्यादा है गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा अमीरों के लिए कुछ नहीं है। अमीर तो कुछ जेब जमा कराते हैं उनको फर्क ही कौन नहीं होता रोज का 50,000 कमाते हैं लख लख कमाते हैं साढ़े वर्ग कई रात की जो मजदूर आदमी की 1,000 रुपये जी लाते हैं किस तरह बिल देंगे? लेकिन सर अभी तो जो अच्छे अच्छे कमाने वाले हैं वो भी परेशान हो गए हैं कि खर्चे पूरे नहीं हो वो जान के कर देने कोई परेशान नहीं साल बाद करोड़ों की प्राप्तियां ले जाते पे ने गरीबों वास्ते उन्होंने कहानी है नहीं करते हैं सब कुछ ठीक है उन्होंने जब गड्डिया ले जाते पे ने करना गरीबों को कौन पूछेगा अजय। सबसे पहले क्या करना चाहिए वजीर अला पंजाब को? महंगाई कम करनी चाहिए बिल कम करने चाहिए ये गैस के बिल बिजली के बिल आ रहे हैं ये करना चाहिए सबसे बस और क्या करना है। ठीक है नाज़रीन हमारे बुज़ुर्गों की राय हमारे मासूम लोगों की राय के सबसे पहले महंगाई कम होनी चाहिए और शिकवा है जी बिजली के बिल गैस के बिल कम होना चाहिए जो कि मुश्किल है कि होंगे। मुझे आप इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह हाफ़िज़।